फाइनली मोनामी इजहार कर रही है अपने प्यार का, बिकॉज शी इमेजिन्स हरसेल्फ एंड करण. फिलहाल तो नहीं, फिलहाल असल जिंदगी में मतलब आउटसाइड द ड्रीम तो नहीं. सबसे पहले से जानना चाहूँगा, काफ़ी रोमांटिक सा सीन दिख रहा है यहाँ पर, काफ़ी रोमांटिक अंदाज में बैठे हुए हैं दोनों एक दूसरे के पास में. बताइए इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताइए मोदर. हर बार की तरह ये भी मोनामी का ड्रीम है, लेकिन इस ड्रीम में फाइनली मोनामी इजहार कर रही है अपने प्यार का, बिकॉज शी इमेजिन्स हर सेल्फ एंड करण द वे शी वॉन्ट्स टू. और उसके बाद उसकी फीलिंग्स इतनी वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को, और ड्रीम में जो इतने टाइम से उसने कंट्रोल करके रखा था अपने दिल की बात, वो बोल देती है करण को. करण, मोनामी ने तो बता दी अपनी दिल की बात, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपने में तो मैंने स्माइल किया है और उसके बाद ये चली गई, तो उसके बाद सपना इनका टूटता है या सपना कंटिन्यू होता है ये तो मुझे नहीं पता, अभी स्क्रिप्ट आगे आई नहीं है. और असल में क्या होता है वो इंटरेस्टिंग है इसके बाद जो होगा, अभी तक शूट हुआ नहीं है. ओके, जिस तरीके से मोनामी ने तो आई लव यू बोल दिया, करण का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? करण का रिएक्शन बिकॉज़ इसका सपना है, मेरा सपना तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, पिक्चर परफेक्ट, सपना परफेक्ट था, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके हिसाब से तो करण को स्माइली करना चाहिए, करण एक्सेप्ट कर लेगा, करण खुश हो जाएगा, वही हुआ. करण मोनामी फील्स की करण आल्सो लव्स हिम सम लव्स हर समवेयर. ये तो सपने की बात है, अगर अगर उस सपना टूटने के बाद में और सपने के पहले की अगर मैं बात करूं तो और क्या क्या मोनामी ने सोच रखा है करण के लिए? क्या सोचा था सपने से पहले? बहुत कुछ सोच रखा है, वो तो ऑडियंस को पता ही है कि जो एक दो लोग प्यार में होते हैं, एक प्यार में कोई होता है और उसको पता नहीं होता कि सामने वाला क्या फील करता है उसके बारे में, तो आप कैसी बातें सोचते हो? मैं सब सारी बातें सोच रखी होंगी मोनामी ने. I'm sure. करण, आपने कुछ सोचा है मोनामी के लिए? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल असल जिंदगी में मतलब आउटसाइड द ड्रीम तो नहीं, फिलहाल तो नहीं. ओके, फाइनली मिशन भी पूरा हो गया, उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे, क्या कुछ फील कर रहे हैं मिशन पूरा कंप्लीट करने के बाद में? ये बहुत ज्यादा खुश हैं यार सब, मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन इनका खुशी का इजहार है, ये मुझसे आके बोलते हैं कि हमें पार्टी वार्टी करनी है, तो उसी पार्टी की तैयारियां करी हैं और यही पार्टी है. मोनामी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मोनामी बहुत खुश है और उसे लग रहा है कि उसने एक और कुछ अचीव कर लिया है, पूरी टीम ने अचीव किया है कुछ बड़ा मिलके, तो एक सेलिब्रेशन बनता है. एंड मोनामी को तो बहाना चाहिए अपने दिल की बात करण को बताने का, तो इसीलिए वो मौके ढूंढती है. सो आई थिंक इस वजह से भी मोनामी ने बोला ये पार्टी रखते हैं और शी इज़ वेरी हैप्पी.